अध्याय 5, वो भयानक शब्द। अब घंटी में से कोई सुर नहीं निकल रहा था। बच्चे उसकी दोनों ओर खड़े अभी भी कांप रहे थे। अचानक उन्हें कमरे के अंत से एक हल्की सी आवाज आई। यह कमरे का वह हिस्सा था जो अभी तक नष्ट नहीं हुआ था। वे बिजली की तेजी से मुड़े। लबादा पहने वो औरत जिसे डेगोरी ने बेहद खूबसूरत कहा था, अपनी कुर्सी से खड़ी हो रही थी। जब वह खड़ी हो गई तो उन्होंने देखा कि वह उनके अंदाजे से भी कहीं ज्यादा लंबी थी। उसके ताज और शानदार कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आंखों की चमक और उसके होंठों की बनावट से जाहिर था कि वह एक महान रानी थी। उसने कमरे में नजर दौड़ाई और चारों ओर पड़ा मलबा देखा। पॉली और डिगोरी को भी देखा, लेकिन उसके चेहरे से कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसने क्या सोचा। वह हैरान हुई या नहीं, वह लंबे और तेज कदम लेती हुई आगे आई। मुझे किसने जगाया, किसने यह जादू तोड़ा, उसने पूछा। मुझे लगता है शायद मैंने, डेगोरी ने कहा। तुम, रानी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। वह हाथ एक बहुत ही गोरा और सुंदर हाथ था, लेकिन डेगोरी यह महसूस कर सकता था कि वह चील के पंजे जितना ही ताकतवर था। तुम तो एक बच्चे हो, एक मामूली बच्चा। एक नजर में ही कोई देखकर कह सकता है कि तुम में एक बूंद भी शाही खून नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? हम दूसरी दुनिया से आए हैं, जादू से, पॉली ने कहा। वक्त आ गया था कि रानी उसकी ओर भी ध्यान दे। क्या ये सच है, रानी ने डिगोरी की ओर देखते हुए पूछा और पॉली की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, यह सच है, डिगोरी ने कहा। रानी ने उसकी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि उसका चेहरा बेहतर दिख सके। डेगोरी ने वापस घूरने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे अपनी नजरें झुकानी पड़ी। रानी में कुछ ऐसा था जो उसके ऊपर हावी हो रहा था। जब रानी ने काफी देर तक उसका मुआयना कर लिया तो उसकी थोड़ी छोड़ दी और कहा, तुम कोई जादूगर नहीं, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई छाप नहीं। तुम किसी जादूगर के नौकर ही हो सकते हो। यहाँ तक तुम किसी दूसरे के जादू पर सवार होकर पहुंचे हो। वह मेरे अंकल एंड्रयू है, डेगोरी ने कहा। उसी पल कमरे में से नहीं बल्कि कहीं बहुत पास से ही पहले एक घड़घड़ाने की आवाज आई, फिर चरमराने की, फिर पत्थरों के गिरने की। सारा फर्श हिल उठा। यहाँ बहुत खतरा है, रानी ने कहा। पूरा महल बिखर रहा है। यदि हम यहाँ से अगले कुछ मिनटों में नहीं निकलते हैं तो हम मलबे के नीचे दफन हो जाएंगे। यह सब उसने इतने शांत भाव से कहा जैसे वह दिन का समय बता रही हो। आओ, उसने कहा और दोनों बच्चों की ओर एक एक हाथ बढ़ाया। पॉली, जिसको रानी अच्छी नहीं लग रही थी और जो थोड़ा रूठी हुई सी थी, अपना हाथ कभी ना पकड़ाती यदि उसके बस में होता। यह एक खतरनाक औरत है, पॉली ने सोचा। इतनी ताकतवर है कि एक मरोड़ में मेरी बाजू तोड़ सकती है। और अब जबकि इसने मेरा बायां हाथ पकड़ लिया है, तो मैं अपनी पीली अंगूठी भी नहीं पहन सकती। यदि मैं अपने दाएं हाथ को अपनी बाईं जेब में ले जाने की कोशिश करूं तो शायद मैं वहां पहुंच भी नहीं पाऊंगी। यह मुझसे पूछ लेगी कि मैं क्या कर रही हूं। कुछ भी हो जाए, हमें उससे अंगूठियों के बारे में मालूम नहीं होने देना है। काश डिगोरी को भी इतनी अकल हो कि वह अपना मुंह बंद रखे। काश मैं उससे अकेले में बात कर सकूं। रानी उन्हें तस्वीरों के हॉल से बाहर एक लंबे गलियारे में और फिर बहुत से हॉल, कमरों, सीढ़ियों और दलानों की भूल भुलैया में से होते हुए ले चली। बार बार उन्हें महलों के कई हिस्सों के गिरने और ढहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक बार तो जैसे वे एक मेहराब के नीचे से गुजरे, उसी पल वह गरजती हुई नीचे गिर पड़ी। रानी तेजी से चल रही थी। उसके साथ चलते हुए पॉली डिगोरी के कदम उखड़ रहे थे। डिगोरी ने मन में सोचा, यह तो बहुत शानदार, बहादुर और ताकतवर औरत है। यह वह है जिसे मैं रानी कहूँ। काश यह हमें इस जगह की कहानी बताए। चलते चलते उसने वाकई कई बातें बताई। कभी वो बोली, यह नीचे तहखाने में जेल का दरवाजा है, या यह दरवाजा टॉर्चर के सबसे बड़े कमरे की ओर ले जाता है, या यह वह दावत खाना है जहाँ मेरे परदादा ने 700 दरबारियों और खानदानी लोगों को दावत पर बुलाया था, और इससे पहले कि वे सभी जी भर कर खा पी पाते, उन सभी को कत्ल करवा दिया गया। ऐसा इसीलिए कि उनके मन में विद्रोह के भाव आ रहे थे। अंत में वे ऐसे हॉल में पहुंचे जो पहले सभी हॉल कमरों से ज्यादा ऊंचा और बड़ा था। उसके आकार और बड़े बड़े दरवाजों को देखकर डिगोरी ने सोचा कि अब तो वे जरूर मुख्य दरवाजे की ओर पहुंच रहे होंगे। वह बिल्कुल सही था। दरवाजे काले रंग के थे, या तो एबोनी या किसी ऐसी काली धातु से बने जो हमारी दुनिया में नहीं पाए जाते। उन्हें बड़े बड़े लोहे के पट्टों से बंद किया गया था, जिनमें से ज्यादातर इतने ऊंचे थे कि उन तक नहीं पहुंचा जा सकता था।
और वे सभी इतने भारी थे कि उन्हें उठाया भी नहीं जा सकता था। ग्रेगोरी सोच रहा था कि बाहर कैसे निकलेंगे। रानी ने उसका हाथ छोड़ा और अपनी बाजू ऊपर उठाई। वह अपनी पूरी लंबाई तक तन कर खड़ी हो गई। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो वे समझ नहीं सके और बाजू से ऐसा झटका दिया जैसे कि वह दरवाजे की ओर कुछ फेंक रही थी। और वे ऊंचे और भारी दरवाजे यूं कांपे जैसे कि वे रेशम के बने हों। और फिर वो चौखट पर मिट्टी का ढेर बनकर बिखर गए। अरे वाह, डेगोरी ने सीटी बजाई। क्या तुम्हारे मालिक जादूगर, तुम्हारे अंकल के पास मेरे जैसी शक्तियां हैं? रानी ने सख्ती से डेगोरी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। लेकिन ये तो मैं बाद में जान जाऊंगी। फिलहाल जो तुमने देखा है वह याद रखना। यह हाल होता है उन चीजों और लोगों का जो मेरे रास्ते में आते हैं। खाली चौखट से इतनी रोशनी आ रही थी जो उन्होंने इस देश में अभी तक नहीं देखी थी। और जब रानी उन्हें वहां से बाहर ले गई तो उन्हें खुद को खुली हवा में पाकर कोई हैरानी नहीं हुई। जो हवा उनके चेहरे पर आकर लग रही थी वह ठंडी थी, पर जाने क्यों बासी थी। वे एक ऊंची बालकनी से नीचे देख रहे थे। क्षितिज के पास एक लाल रंग का सूरज टंगा था, हमारे सूरज से कहीं बड़ा। डिगोरी को उसी वक्त यह भी लगा कि वह हमारे सूरज से कहीं ज्यादा पुराना था। ऐसा सूरज जो अपने जीवन के अंत पर था, उस दुनिया पर चमकते चमकते बेहद थका हुआ और उदास। सूरज की बाई ओर थोड़ी ऊंचाई पर एक अकेला सितारा था, बहुत बड़ा और चमकता हुआ। अंधेरे आकाश में सिर्फ ये दो चीजें देखी जा सकती थी। ये दोनों ही एक बहुत उदास भरा जोड़ा थी। जमीन पर एक विशाल शहर फैला हुआ था, पर कुछ भी जिंदा दिखाई नहीं दे रहा था। सभी मंदिर, टावर, महल, पिरामिड और पुल उस पर मुरझाए सूरज की रोशनी में लंबी और प्रलयकारी छायाएं फैला रहे थे। तभी इस शहर के बीच में एक विशाल नदी बहा करती थी, लेकिन पानी तो कब का गायब हो चुका था। उसकी जगह पर अब राख से धूल की एक खुली खाई थी बस। अच्छी तरह देख लो वह जो आंखें कभी ना देख पाएंगी, रानी ने कहा। ऐसा था चार्न, वह विशाल शहर, राजाओं के राजाधिकार का शहर, दुनिया का अजूबा, शायद सभी दुनियाओं का। क्या तुम्हारे अंकल ऐसे ही किसी महान शहर पर राज करते हैं? क्यों लड़की? नहीं, डेगोरी बोला। वह बताने जा रहा था कि अंकल एंड्रयू किसी भी शहर पर राज नहीं करते थे, लेकिन रानी बोलती गई। अब यह चुप है, लेकिन मैं यहाँ ऐसे वक्त भी खड़ी थी जब पूरी हवा चांद की आवाजों में गूंजती थी। पैरों की आवाज, पहियों की आवाज, चाबुकों की आवाज और दासों के कराने की आवाज, रथों की गरजना और मंदिरों में बलि के समय बजते बड़े बड़े ढोलों की आवाज। मैं यहाँ तब भी खड़ी हुई थी, शायद अंत के नजदीक, जब हर गली में युद्ध की दहाड़ हवा को चीर रही थी और चांद की नदी खून से लाल पड़ी थी। वह थोड़ा रुकी और फिर बोली, एक ही पल में एक औरत ने इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। किसने? डेगोरी ने फुसफुसा कर पूछा। मैंने, रानी बोली। मैं जेडिस, आखिरी रानी, लेकिन इस दुनिया की रानी। दोनों बच्चे चुप खड़े थे, सर्द हवा में कांपते हुए। कसूर मेरी बहन का था, रानी बोली। उसने मुझे मजबूर किया था। सभी ताकतों के सभी श्राप उस पर हमेशा हमेशा के लिए हैं। किसी भी पल में अमन के लिए तैयार थी और उसकी जान बख्शने को भी, सिर्फ अगर वो मुझे राजगद्दी दे देती। लेकिन उसने नहीं दी। उसके घमंड ने पूरी दुनिया तहस नहस कर दी। युद्ध तो शुरू होने के बाद भी पूरी सच्चाई और संजीदगी से यह वादा था कि दोनों ही विरोधी जादू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब उसने अपना वादा तोड़ दिया तो मैं क्या करती? बेवकूफ, जैसे कि वह जानती नहीं थी कि मेरे पास उससे कहीं ज्यादा जादू था। वह तो यह भी जानती थी कि मेरे पास उस भयानक शब्द का रहस्य भी था। वह थी तो हमेशा से ही कमजोर, लेकिन क्या उसने सोचा कि मैं भी उस भयानक शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी? क्या था वो शब्द? डेगोरी ने पूछा। वह सभी रहस्यों से भी बड़ा रहस्य था, रानी जडिस बोली। हमारी नस्ल के सभी प्राचीन काल के राजाओं को पहले से ही पता था कि एक ऐसा शब्द था जो सही अनुष्ठान के साथ बोला जाए तो वह सभी जीवित लोगों को ध्वस्त कर देगा, तहस नहस कर देगा, सिवाय उसके जिसने उसका उच्चारण किया है। लेकिन प्राचीन राजा तो सभी बहुत कमजोर और नरम दिल थे। तो उन्होंने खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ी को बड़ी बड़ी शपथों से बांध रखा था कि उस शपथ के ज्ञान की ओर कोई भी कदम नहीं बढ़ाएगा, कि उस शब्द को जानने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन मैंने उसे एक गुप्त जगह से सीखा और उसे सीखने के लिए बहुत ही खतरनाक कीमत भी अदा करी।
मैंने उसे तब तक प्रयोग भी नहीं किया जब तक कि उसने मुझे इस पर विवश नहीं कर दिया। मैंने हर तरीके से उसे हराने की कोशिश की, अपनी सेनाओं का खून पानी की तरह बहा दिया। जानवर, बोली खुद से बड़बड़ाई, जो आखिरी महान युद्ध था, रानी बोली, वह 3 दिन चला, यहाँ चांड में ही। 3 दिन तक मैं उसे यही इसी स्थान से देखती रही। मैंने तब तक अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जब तक वह मेरा आखिरी सैनिक ना मार दे और वह श्रापित औरत, मेरी बहन, अपने विरोधियों के साथ उन सीढ़ियों के आधे रास्ते तक आन पहुंची थी जो इस शहर को इस टेरिस तक लेके आता है। तब मैंने इंतजार किया जब तक कि हम एक दूसरे के आमने सामने ना खड़े हों, चेहरे के सामने चेहरा। उसने मुझे अपनी भयानक, दुष्ट, चमकती आंखों से देखा और बोली, विजयश्री। हाँ, मैंने कहा, विजयश्री, लेकिन तुम्हारी नहीं। और तब मैंने वह भयानक शब्द बोला। एक पल बाद मैं सूरज के नीचे अकेली जिंदा इंसान थी। लेकिन सारी जनता, डिगोरी की सांस एक पल के लिए रुक गई। कौन जनता लड़के? रानी ने पूछा। सब आम जनता, पॉली ने कहा, जिन्होंने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था। औरतें और बच्चे और जानवर, समझे नहीं तुम? रानी अभी भी डिगोरी से बात कर रही थी। मैं रानी थी, वह सब मेरी प्रजा थी, सब मेरे हुक्म के नीचे। उनकी किस्मत तो बुरी निकली, वह बोला। मैं भूल गई थी कि तुम सिर्फ एक मामूली लड़के हो। तुम राजशाही के कानूनों को क्या समझोगे? बच्चे, तुम्हें सीखना होगा कि जो तुम्हारे या आम जनता के लिए गलत है, वह मेरे जैसी महान रानी के लिए गलत नहीं है। पूरी दुनिया का बोझ हमारे कंधों पर है। हमें सभी नियमों से आजाद होना होता है। हमारी किस्मत सबसे ऊंची लेकिन सबसे अकेली होती है। डिगोरी को अचानक याद आया कि अंकल एंड्रयू भी कुछ ऐसे ही शब्द बोल रहे थे, लेकिन अब वह कहीं ज्यादा शानदार लगे जब रानी जडिस ने उन्हें कहा। शायद इसलिए कि अंकल एंड्रयू 7 फुट लंबे, चमचमाते हुए, खूबसूरत नहीं थे। और फिर आपने क्या किया? डिगोरी ने पूछा। मैंने पहले ही उस हॉल पर बहुत शक्तिशाली मंत्र और टोने डाल दिए थे जहाँ मेरे पूर्वजों की तस्वीरें बैठी हैं। उन टोनों की ताकत यह थी कि मैं खुद उनके बीच सोती रहूं, एक तस्वीर की तरह, और मुझे न खाने न ही आग की जरूरत पड़े, चाहे हजारों साल तक, जब तक कोई आकर उस घंटी को बजाकर मुझे जगा ना दे। क्या उसी भयानक शब्द ने सूरज को वैसा बना दिया? डिगोरी ने पूछा। कैसा? जेडिस बोली, इतना विशाल, इतना लाल और इतना ठंडा। वह तो हमेशा से ही ऐसा है, जेडिस बोली, कम से कम सैकड़ों हजारों वर्षों से। क्या तुम्हारी दुनिया में कोई अलग तरह का सूरज है? हाँ, वह छोटा है और इससे कई ज्यादा पीला है और इससे कई ज्यादा गर्माहट देता है। रानी ने एक लंबी और हैरानी भरी ओह कही और डिगोरी ने उसके चेहरे पर वही भूखी और लालची झलक देखी जो उसने कुछ समय पहले अंकल एंड्रयू के चेहरे पर देखी थी। तो वह बोली, तुम्हारी दुनिया इतनी बूढ़ी नहीं है। वह एक पल को रुकी उस खंडर और वीरान शहर को देखने के लिए, फिर बोली, चलो चलते हैं, यहाँ सभी युगों के समाप्त होने पर काफी ठंड हो गई है। कहाँ चलना है? दोनों बच्चों ने पूछा। कहाँ? जेडिस ने हैरानी से दोहराया। तुम्हारी दुनिया में और कहाँ? पॉली और डिगोरी भौचक के भय मारे एक दूसरे को देखते रहे। पॉली को तो रानी पहली झलक में ही बहुत बुरी लगी थी और डिगोरी भी अब जब उसने कहानी सुन ली थी, महसूस कर रहा था कि इस रानी को जितना देखना और जानना था वह काफी हो गया। यकीनन वह ऐसी तो नहीं थी कि उसे कोई घर ले जाए, और यदि उन्हें ले जाना भी हो तो वे जानते नहीं थे कि कैसे। जो वे चाहते थे वह था कि वे वहां से खुद गायब हो जाएं। लेकिन पॉली अपनी अंगूठी तक नहीं पहुंच सकती थी और डिगोरी उसके बिना नहीं जा सकता था। डिगोरी का चेहरा लाल हो उठा और वह हकलाकर बोला, ओह, हमारी दुनिया, मैं नहीं जानता कि तुम वहां जाना चाहती हो। तो तुम्हें और किस लिए यहाँ भेजा गया था, यदि मुझे लेने के लिए नहीं? जेडिस ने पूछा। मुझे तो यकीन है कि तुम्हें हमारी दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इनके लायक तो वो जगह है ही नहीं, है ना पॉली? बहुत बोरिंग है, देखने लायक ही नहीं है सचमुच। वह देखने लायक हो जाएगी जब मैं उस पर राज करूंगी, रानी ने जवाब दिया। ओह, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती, डिगोरी बोला। ऐसा नहीं है, वहां वो आपको राज नहीं करने देंगे, रानी ने घमंड भरी मुस्कुराहट से कहा। बहुत से महान राजा ये सोचते थे कि वो चांड घराने के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन वे सभी गिरे और उनके नाम तक भुला दिए गए।
बेवकूफ लड़के, क्या तुम सोचते हो कि मेरी खूबसूरती और मेरे जादू के सामने तुम्हारी पूरी दुनिया टिक पाएगी? अरे एक वर्ष भी नहीं गुजरेगा और तुम्हारी पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। अपने जादू के मंत्र तैयार करो और मुझे वहां ले चलो। क्या सत्यानाश है, डिगोरी ने पॉली से कहा। शायद तुम अपने अंकल के लिए डर रहे हो, रानी ने कहा, लेकिन यदि वह मेरा उचित सम्मान करेंगे तो मैं उनका जीवन और उनका ताज बख्श दूंगी। मैं उनके खिलाफ लड़ने नहीं आ रही हूँ। अगर उन्होंने यह पता लगा लिया है कि तुम्हें यहाँ कैसे भेजा जा सकता है, तो वे जरूर ही बहुत बड़े जादूगर होंगे। क्या वो तुम्हारी पूरी दुनिया के राजा है या सिर्फ एक छोटे हिस्से के? वो कहीं के भी राजा नहीं है, डिगोरी ने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, रानी बोली। जादू तो शाही खून के साथ ही ठहरता है। किसने सुना कि आम लोग जादूगर हों? तुम बोलो या ना बोलो, मैं सच देख सकती हूँ। तुम्हारे अंकल एक महान राजा हैं और तुम्हारी दुनिया के एक महान जादूगर, और उन्होंने अपनी जादू की कला से मेरे चेहरे की परछाई किसी जादुई शीशे में या किसी जादू के तालाब में देखी थी, और मेरी खूबसूरती से सम्मोहित हो उन्होंने ऐसा ताकतवर टोना बनाया है जिससे तुम्हारी दुनिया की नींवों को हिला दिया और दुनिया के बीच इस विशाल खाई के पार तुम्हें भेज दिया कि तुम मुझसे मेरी मदद मांगो और मुझे उन तक ले चलो। जवाब दो, क्या ऐसा नहीं था? नहीं, डेगोरी ने कहा। पॉली चिल्लाई, शुरुआत से अंत तक ये बकवास है। दासी, रानी चिल्लाई। वह गुस्से में पॉली की ओर मुड़ी और उसके सिर के ऊपर के बाल नोचकर उठा लिया, लेकिन ऐसा करने में उसने दोनों बच्चों के हाथ छोड़ दिए। अब, डेगोरी चिल्लाया, जल्दी। पॉली चिल्लाई। दोनों ने अपने बाएं हाथ अपनी जेबों में डाले और अंगूठियां पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जिस पल उन्होंने अंगूठियों को छुआ, वह पूरी उदास भयानक दुनिया उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। वे ऊपर की ओर तेजी से उड़ रहे थे।